नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में चर्चा करने वाले हम लोग जो है कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, जो कि इंटर एजी यानी 12th AG का आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सटीक विश्लेषण आपके बीच में लेकर आया हूँ। सो गाइस, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त आपके साथी भी जो हैं अपने करेक्ट आंसर को यहाँ से मिला पाएँ। सो गाइस, एक बार सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और जैसे ही आपके 12th AG के एग्ज़ाम फिनिश होंगे इसके बाद आप तुरंत यूपी कैडेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी एकमात्र अच्छा चैनल जो है जो आपके लिए दिन प्रतिदिन काम करता है। सो गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक कर देना, नए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। चलो भाई, सो गाइज देख सकते हो ये 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है। कुछ कुल मिलाकर पूर्णांक की बात करें अपन लोग तो कुल 50 नंबर का पेपर आपका आता है और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी जो होते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ना निर्धारित है। कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग अगर डेली पेपर दे रहे हो तो आप जान चुके कि हमें क्या करना और क्या छोड़ना है। इंस्ट्रक्शन में देख सकते हो आंसर ऑल क्वेश्चंस, सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। जैसे ये आप प्रश्न पूछा गया था विस्तृत उत्तरी प्रश्न है और शोगाइज प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 6 नंबर का था। तो निम्नलिखित नस्लों के मूल स्थान मुख्य पहचान उपयोगिता के बारे में आपको बताना है, जैसे साहिवाल के बारे में आपको बताना है गाइज, जमुनावारी के बारे में बताना है, मेरिनो के बारे में बताना है और मेहसाना के बारे में बताना है, फ्रिज बाल के बारे में बताना है और मिनोरका के बारे में बताना है। देखो, साहिवाल प्यारे बच्चों गाय की नस्ल होती है, किसकी, गाय की, गाय की नस्ल है। जमुनावारी बच्चों बकरी की नस्ल है, इसके बारे में आपको बताना था। मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है, मतलब डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स को उसने शामिल कर दिया एक ही प्रश्न के अंतर्गत। मूल स्थान मुख्य पहचान और उपयोगिता के बारे में आपको बताना था। ये काफ़ी जो मैंने बारीकी पॉइंट लिखाए थे, तो जो भी बच्चे यूपी कैडेट की तैयारी करते हैं, जो भी विद्यार्थी यूपी कैडेट की तैयारी करते हैं मेरे भाई, वो उन बच्चों ने जो है उन विद्यार्थियों ने उन बहनों ने बहुत ही शानदार उत्तर इन प्रश्नों के किए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, जो मेहसाना नस्ल है ये एक भैंस की नस्ल है, आपसे पूछ ली गई। अब फ्रिज बाल, यार देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भैया, संकर नस्ल है, कैसी ब्रीड है ये, संकर नस्ल है, फ्रीज से बन गया होलिस्टीन फ्रीजियन, है कि नहीं, फ्रीज से बन गया होलिस्टीन फ्रीजियन और बाल से बन गया मेरे बच्चों साहिवाल। तो होलिस्टीन फ्रीजियन इंटू साहिवाल के क्रॉस से कौन सी ब्रीड बनी थी, फ्रीज बाल। अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी गलती धड़ाधड़ किए होंगे यहाँ पे, जो मिनोरका है, बच्चे बहुत सारे यही नहीं समझ पाए नस्ल है किसकी। तो यार ध्यान रहिए, मुर्गी की नस्ल है, ठीक है ना, मुर्गी की नस्ल है। तो पहले तो आपको यही आना चाहिए जो ब्रीड दी रखी गई है वो किसकी है, गाय की है प्यारे बच्चों, भैंस की हैं, बकरी की हैं या फिर भेड़ की हैं, किसकी हैं, ये जानना जरूरी है। अगर आप ये जान जाते हो तो फिर मूल स्थान देख लो एक बार फटाफट के अंदाज में। साहिवाल का पूरा सभी जानते हैं बच्चे, जो भी पढ़ते हैं ये जी सभी जानते हैं कि ओरिजिन प्लेस का कहाँ पर है, तो पाकिस्तान का मांडगोमरी जिला। जमुनापारी की बात करेंगे तो बकरी की नस्ल है प्यारे बच्चों, किसकी है, बकरी की है और इसका ओरिजिन प्लेस चक्करनगर इटावा के आसपास का एरिया माना जाता है। यार मेरिनो की बात करेंगे, भेड़ की नस्ल है बच्चों, भेड़ की नस्ल फाइनेस्ट ऊन के लिए फेमस है, महीन ऊन के लिए, अच्छी क्वालिटी की ऊन के लिए। ओरिजिन प्लेस बच्चों कहाँ पे, स्पेन है यार, ठीक है। मेहसाना भैया गुजरात का मेहसाना जिला हो जाएगा, भैंस की नस्ल है। अब देखो फ्रिज बाल है, संकर नस्ल है गाय की, मिनोरका मुर्गी की नस्ल है। तो ये 6 नंबर में आपसे क्वेश्चन यार पूछा गया था, हमें नहीं लगता कि आप किसी ने प्रश्न कर नहीं पाया होगा, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगेन 6 नंबर में अथवा में आपको करना था दुधारू गाय के कुछ वर्णन लगे। यार ये प्रश्न कई बार बताया, दुधारू गाय कैसी होनी चाहिए, ऐन पूर्ण विकसित होना चाहिए, दुग्ध सिराएं उभरी हुई होनी चाहिए, त्वचा मुलायम, इस प्रकार से कई करेक्टर हमने आपको बताए थे यार, समझना चाहिए आपको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और प्यारे बच्चों दुधारू गाय का जो शरीर है यार त्रिकोणाकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, त्रिकोणाकार। ये सारे प्रश्न हमने करवाए, बहुत अच्छे से करवाए हैं, हाँ। अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पेपर हो चुका है, लीक पिटने से कोई फायदा है नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइलेज बनाने वाली फसल में सूक्ष्म पदार्थ होना चाहिए। यहाँ पर बहुत बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी, क्या उसने पूछा कि साइलेज बनाने में सूक्ष्म पदार्थ कितना होना चाहिए। प्यारे बच्चों अगर मॉइस्चर की बात की जाए साइलेज में,
पहले जान लो साइलेज जो बनाई जाती है उसमें नमी का होना अति आवश्यक है कि नहीं। अब नमी का होना अति आवश्यक है, नमी तो हो जाएगी 60 से 70% है कि नहीं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, नमी तो हो जाएगी 60 से 70%। लेकिन बच्चों मेरे भाई, नमी तो हो गई 60 से 70%, ये क्या हो गई, नमी हो गई। अब यार कुल 100% होता है, 60 में 100 करने के लिए कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे, और 70 मतलब 30 से 40% क्या होनी चाहिए, 30 से 40% सूक्ष्म पदार्थ होना चाहिए साइलेज में। तो जो भी बच्चे 30 से 40 करके आए, उत्तर उनका सही है, 30 से 40% सूक्ष्म पदार्थ होना चाहिए साइलेज में, ठीक है। अच्छा, भैंस में ऋतु चक्र होना चाहिए कितने दिन का, भैया 21 दिन बाद जो है गाय भैंस अगेन आती है हीट में, 21 दिन का टाइम यहाँ पे होना चाहिए, तो 21 दिन भी करेक्ट आंसर है। एक और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया भैया, एक और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है उसने, उसने पूछ दिया है कि पूछ काटना किस पशु में की जाती है, जो पूछ काटने का काम है ये किस में करते हैं। अब भेड़ में अगर पूछ काट दें तो क्या बोलते हैं, डॉकिंग, तो यही तो प्रथम से पूछा गया, तो खाली स्थान में क्या भर दो, भेड़ में पूछ काटना अब अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये अगर झाड़ी आड़ी इलाके में जाती है चरने के लिए तो कांटे आटे चुभने के टाइम ज़्यादा रहते हैं चांसेस, तो इसलिए इन सबसे बचाव के लिए जो है पूछ काटा जाता है। तो भेड़ यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा, तो मैं आशा करता हूँ आपने सही किया होगा। तो एक नंबर जो भी बच्चे यहाँ पे करके आए थे, ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर वाले उनके बिल्कुल सही हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, हाँ बहुत ही शानदार, सभी बच्चे आंसर को दिखते पा रहे हैं यहाँ पे। चलो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं यूपी बोर्ड के, तो इसलिए हिंदी वाला ही देखेंगे हम लोग, है कि नहीं, बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो भैया हिंदी वाला ही हम लोग देखेंगे। एक बार देख लेते हैं, वही क्वेश्चन हैं। सो गाइस बिल्कुल क्वेश्चन में थोड़ा चेंजमेंट है, आप देख लो इंग्लिश में ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, विच वन इज ओमेजम ऑफ रूमिनेंट स्टोमच, प्यारे बच्चों बात कर रहा है कि जो ओमेजम रूमिनेंट जो पशु होते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनके पेट के चार भाग होते हैं, उसमें जो ओमेजम है, जो ओमेजम है ये जो है किस नंबर का भाग है, मतलब जैसे रूमेन हो गया, रेटिकुलम हो गया, ओमेजम हो गया और एबोमेजम। मैंने ट्रिक आपको बताई थी आरआरओ का एग्जाम से लेकर, एआरओआरओ ऐसे बताई थी ट्रिक हमने, तो रोमेन रेटिकुलम, अब तीन नंबर पर क्या आया, ओमेजम। तो उत्तर हमारा सही हो गया बच्चों, 3 करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ एग्जॉटिक ब्रीड काउ, बच्चों अगर बात हमसे करता इंडिया की ब्रीड का, किसका बात करता, इंडिया की नस्ल कौन सी है, तो बॉस इंडिकस से बन, इंडिया से बन गया इंडिकस। लेकिन बच्चों एग्जॉटिक पूछ रहा है, इसका मतलब होता है विदेशी नस्ल पूछी है आपसे, क्या पूछी, विदेशी, आप विदेशी पूछे इसका मतलब बॉस टायरस होगा, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ऑरिजिन प्लेस ऑफ मेरिनो सीप, यानी बच्चों मेरिनो सीप स्पेन, यहाँ पे करेक्ट आंसर उत्तर जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, मेरिनो जो है भेड़ की नस्ल है और उत्पत्ति स्थल के स्पेन है, ठीक है। चलो बातें कम करेंगे काम ज़्यादा करेंगे, गैस्टेशन पीरियड पूछ रहा है गंगा तीरी काऊ का, घुमा के पूछ दिया उसने, पर्टिकुलर गाय का यहाँ पे नाम दे दिया। तो बच्चे वैसे क्या याद रखते हैं कि गाय का गर्भकाल कितना होता है, सब जानते हैं 280 दिन, लेकिन बहुत सारे जो कमज़ोर दिल के बच्चे होंगे उन्होंने गलत कर दिया होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि गंगा तीरी का यार पूछ रहा, बाकी किसी तो पूछा नहीं, इसलिए उन्होंने पक्का कुछ विद्यार्थियों ने गलत किया होगा। अब हमसे एक गाय का नाम ले ले पर्टिकुलर, या फिर गाय का गर्भकाल पूछ दे, तो 280 यहाँ पे करेक्ट होता है, घबराने वाली कोई बात नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कई बार मजाकिया स्वभाव में हमने आपको पढ़ाया था, नाभि रज्जू काटने के बाद में प्रयुक्त दवा कौन सी, भैया बच्चा पैदा हुआ, जो काफ बच्चा पैदा हुआ है, अब उसका नाड़ा वगैरह काटा जाता है, काटने के बाद में कुछ दवा यूज की जाती है, उस दवा का नाम क्या है, तो प्यारे बच्चों टिंकचर आयोडीन। काफ़ी मजाकिया क्वेश्चन था, तो कई अच्छा आंसर क्या रहेगा, टिंकचर आयोडीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 किलोग्राम भैंस के दूध से अगर पनीर तैयार करना बच्चा तो कितने ग्राम प्राप्त होगी, देख लो यार इसका आंसर 200 ग्राम के आसपास होना चाहिए, थोड़ा डाउट है चेक कर सकते हो, बस 200 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हिंदी में दे दिए हैं तो अभी हम लोग कर चुके हैं इसलिए स्किप कर देते हैं, है कि नहीं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और रह गया, देखो उसने पूछा है, क्या पूछा है, विच वन इज डायूरेटिक एमोंग द फॉलोइंग, बच्चों डायूरेटिक मतलब क्या होता है, मूत्रवर्धक, कुल मिला के
जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें एक मूत्रवर्धक औषधि है, जैसे किसी पशु का मूत्र वगैरह पेशाब रुक जाती है उस कंडीशन में कौन सी दवा का यूज करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको अपन लोग कलमी सोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कलमी सोरा। अगर आपको आज की आंसर की अच्छी लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, तो हम आपको क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे, साथ में साथ हर पेपर की आंसर की लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम तभी समझेंगे जब आप सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और 3+3 कुल मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन सर आपके सामने हो चुका है। 6 नंबर वाला प्रश्न हो चुका है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। फिलहाल हम चर्चा करेंगे ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। दुधारू पशुओं के लिए दलहनी फसल दलहनी हरे चारे का महत्व लिखना है। तो कई सारे बच्चे यहाँ पे कर भी चुके होंगे यार। चारे चारे एक होता है कंसेंट्रेट मीन्स दाने, एक होता है रफेज मीन्स मोटे चारे। लेकिन चारे भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दलहनी हरे चारे होते, एक होते अदलहनी। अब बच्चों, जो दलहनी हरे चारे होते हैं मीन्स फलीदार और बेफलीदार, तो इनमें प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है जो कि पशुओं के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सारे तत्व विद्यमान होते हैं इन चारों में। तो दुधारू पशु के लिए क्या एक अच्छा फीड, एक अच्छा राशन, एक अच्छा चारा चाहिए? तो बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पे हो जाती हैं, बट मुझे इतना टाइम नहीं कि एक एक प्रश्न को यहाँ पे चर्चा करें। तो आप समझ चुके ही होंगे हम क्या यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब कृषि में पशुपालन का क्या महत्व है? राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक रियरिंग इन एग्रीकल्चर। प्यारे बच्चों, सभी जानते हैं केवल कृषि से जो है इंसान की जिंदगी में एक अच्छा बदलाव नहीं आ सकता। केवल पशु, अगर केवल मतलब कृषि से ही सुधार संभव नहीं है। अगर कृषि के साथ साथ में हम लोग पशुपालन का अपनाते हैं, अगर कृषि के साथ साथ में हम लोग पशुपालन अपनाते हैं, पशुओं को पालते हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स तो हो ही जाता है। साथ ही साथ पशुओं के मलमूत्र गोबर से बहुत सारी खाद कंपोस्ट बनाई जाती है जो कि हमारी खेती के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ नर पशु होते मांस के पर्पज़ से यूज में लाए जाते हैं। कुछ नर पशु होते हैं बोझा गाड़ी ढोने और उनका एग्रीकल्चर फील्ड में खेती करने में मतलब जुताई गुड़ाई भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिख सकते थे आप। तो यहाँ पे जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे उनके 4 नंबर पक्के होंगे। अच्छा, गाय में थलैना रोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चों ने यहाँ पे सही कर लिया होगा, ठीक है ना। आयन से संबंधित बीमारी है, गलत तरीके से ग्वाला अगर दोहन करता है दुग्ध का तब भी बीमारी हो जाती है, जीवाणु के द्वारा होती है। कई सारा यहाँ पे चर्चा हम किए हैं तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा ही हिंट दे पाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, फॉर्म पर अभिलेख रखने के 4 उद्देश्य। यार बताओ, आप जरूर लिख दिए होंगे। अगर किसी का अभिलेख लेखा जोखा है तो शायद उसके जो हमारा पशु है, एक तो उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलेगा कि पशु किस नस्ल का है और उन्नत पशु है या नहीं, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा, उसकी सही सही आयु का भी अनुमान लग जाएगा फार्मर अगर कोई भी परचेज करता है डेयरी फार्म से, ठीक है ना। और उसके रख रखाव पे मतलब बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे कलेक्ट करके एक अच्छे पशुपालक, एक अच्छे पशु की पहचान के लिए बहुत अभिलेख जो है रिकॉर्ड बाई रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी होती है विधि, ठीक है ना। और यह विधि ज़्यादातर जो अच्छे फार्मर्स होते हैं पढ़े लिखे वो यूज़ करते हैं और मोस्टली जो ज़्यादा यूज में लाई जाती है डेयरी फार्म तक यह विधि सीमित में रहती है। तो 4-5 ने बहुत सारे इसके आप उद्देश्य लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 2 नंबर प्रश्न था तो ज़्यादा 4 उद्देश्य ही आपको लिखने थे। अच्छा, अब देखो 2+4 कुल मिला के नंबर हुए 6। 6 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। बैल को गिराने की विधियाँ, एक बैल के सिर पर तथा पैर की जाँच के लिए किस प्रकार नियंत्रित करेंगे? तो ये भी क्वेश्चन आपने किया ही होगा। अगर जो बच्चे इस पर डाउट में थे नहीं कर पाए होंगे तो उन्होंने ये अच्छा प्रश्न मैंने समझाया था, जो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा कर लिया होगा। एक अच्छी ओसर मतलब नई नवेली दुल्हन कह सकते हो आप, जिसे पहली बार जो गर्भ धारण करेगी उसके बारे में आपको बताना, उसके विकास के लिए आहार देखभाल और प्रबंधन कैसे करना चाहिए। तो जो ओसर पशु होते हैं, नए नवेले पशु प्रथम बार जो ब्यात गर्भकाल धारण करते हैं, उन पशुओं के बारे में चर्चा करनी, उनका रखरखाव कैसा है, खिलाई पिलाई में क्या करना चाहिए। तो बेसिक जानकारी आपको पता ही दी थी, आपने कर ही लिया होगा। सो गाइस, अभी और प्रश्न है 3+3 6 नंबर, काफ़ी वेटेज वाले क्वेश्चन हैं ये, काफ़ी नंबर यहाँ पे जो विद्यार्थी अच्छे से कर पाए होंगे तो बहुत सारा स्कोर यहाँ पे बनाने में कामयाब हुए होंगे। गौशाला की साफ सफाई रोगण रही ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हैवी वेटेज क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे यहाँ पे धड़ाधड़ क्वेश्चन को तोड़ फोड़ के आए होंगे। उसी प्रकार एक गाय की उम्र ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ भैया यूज में लाई जाती हैं,
अरे भाई कौन नहीं जानता, पशु के सींग पर बने छल्ला देख लो आप, ठीक है, दांत देख लो, और इसी प्रकार बाहरी रंग रूप बनावट देख करके कुछ मोटा अनुमान लगाते हैं लोग, तो ये सारी विधियाँ यूज में लाई जाती हैं, ठीक है। बाकी दांतों की वाली विधि तो जो भी बच्चे करे होंगे तो आई होप उसका भी पेपर अच्छा ही गया होगा। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन दो दो नंबर के, इनका वेटेज थोड़ा कम है, थोड़ी थोड़ी बातें लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट। कृत्रिम गर्भाधान के लाभ क्या है? भैया बहुत सारे लाभ हैं, कोई गाय टूटी फूटी विकलांग है उस वो भी आसानी से गर्भित हो सकती है यार, है कि नहीं? बिल्कुल बात सही है। और एक बार के सीमन से यार जो गाय का, अगर आप नेचुरल ब्रीडिंग कराते हो, नेचुरल आप ब्रीडिंग कराओगे पशु की, तो उसमें वीर्य की खपत बहुत ज़्यादा होती है। अगर उतने ही वीर्य के माध्यम से आप कृत्रिम गर्भाधान का यूज करोगे तो लगभग 100 से 200 गाय गर्भित हो जाती है, बहुत सारी गाय, ठीक है। चलो भाई ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, खरल और मूसली के बारे में आपने देख ही दिया होगा, पशुओं की जो औषधि होती है खल और मूसल, इसमें मतलब इसके माध्यम से पीस करके उनको खिलाई पिलाई जाती है। तो खल मूसल वाले बच्चों में थोड़ा बहुत बच्चों कन्फ्यूजन हुआ था, कमेंट आए थे हमारे पास, एक दो बच्चों के लड़कियों कमेंट भी आए थे हमारे पास, कोई बात नहीं, उनका अच्छा पेपर हुआ, भगवान उन्हें खुश रखे, सभी को, सब लोग खुश रहे, मस्त रहे। गर्भ रक्षा आहार के विषय में लिखिए भैया, आप लिख सकते हो यार प्रेगनेंसी राशन, भैया कौन नहीं जानता है प्यारे बच्चों, क्या है कि जब गाय प्रेग्नेंट होती है तो यार क्या खिलाई पिलाई बढ़ाई जाती है कि नहीं बढ़ाई जाती, उसके बहुत रख रखाव अच्छे से किया जाता है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, क्यों? क्योंकि हमें उससे दूध लेना है, समझते हो कि नहीं? समझ रहे होंगे हमारी बात को, तो बहुत उसके बारे में आप लिख सकते थे बढ़ा चढ़ा के। यहाँ पे रोमंती पशुओं में स्थायी दांत वाला सूत्र भी आप लिख सकते हो, कई बार पढ़ाया गया था। और छोटे छोटे बच्चे के क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे पशुपालन का आज का पेपर, आई होप आपको आंसर की पसंद आएगी। सो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही नहीं बल्कि ज़बरदस्त भी लगी होगी। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो नेक्स्ट चाहिए तो आप फटाफट कमेंट यार जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।